हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय चैनल कुक टाइम। आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मसाला मूंगफली। हम गुजराती इसे भजिया सिंग भी कहते हैं, या आप स्विंग भुजिया भी कह सकते हो। तो हम टाइम वेस्ट करे बिना चलते हैं रेसिपी की ओर। तो हम पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो हमें ये सिंग भुजिया बनाने के लिए चाहिए सिंग। यहाँ पर मैंने कच्चे दाने लिए हैं, जो यहाँ पर 150 ग्राम के करीब होंगे। और ये है नमक, स्वाद अनुसार आप इसे ऐड कर सकते हो। ये 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है, आप देख सकते हो ये 1 टीस्पून है। और ये है 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। और ये है 1 टीस्पून चाट मसाला। और ये है 1 कप बेसन। और हम इसके साथ डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। और आप इसे साइट्रिक एसिड कह सकते हो, या फिर नींबू सद कह सकते हो, या नींबू के फूल कह सकते हो। ये हम सिर्फ एक पिंच यूज़ करेंगे थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए। और ये है 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, जो तीखी वाली मिर्च है। हम ये रेसिपी में तीखा होना बहुत ज़रूरी है। और ये है पानी, जो हम ज़रूरत के मुताबिक इसमें ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें जो बेसन है उसे ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। वन टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर और ये साइट्रिक एसिड, नींबू सद। यह हमें सिर्फ एक पिंच ही यूज़ करना है, वरना ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। और जो ये चाट मसाला है, ये हम मूंगफली के फ्राई होने के बाद डालेंगे। इसे हमें इस मसाले में ऐड नहीं करना है। अब हम इस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसे पानी ऐड करके हाथ से मिक्स करेंगे। याद रहे, हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ही ऐड करना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। अब थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स करें, फिर आपको ज़रूरत लगे तो आप फिर थोड़ा पानी ऐड करें। आप देख सकते हो मैंने कैसे इसे मिक्स किया हुआ है। अगर आप कम स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो आप इसमें कम लाल मिर्च डाल सकते हैं। ये रेडी हो चुका है। मैंने पहले से ही तेल रखा हुआ था। हम इसे एकदम लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। आप देख सकते हो मूंगफली सिजल कर रही है, ऊपर आ चुकी है। ये तेल कंप्लीट गर्म है और एकदम लो फ्लेम रखना है। अगर आप हाई फ्लेम करोगे तो ये एकदम क्रंची नहीं बनेगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी। आप देख सकते हो मैंने थोड़े से दाने हाथ में उठा लिए हैं और एक एक कर कर इसमें हमें डालने हैं, ना कि एक साथ में, वरना वो एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे। बस इसी तरह से एक एक करके हमें डालना है, इस बात का ध्यान रखें। हाथ को पहले पानी वाला कर दे, बाद में थोड़ी सी मूंगफली हाथ में ले और बाद में ऐसे एक एक करके इसे डालें। आप एक साथ डालोगे तो एक दूसरे से चिपक जाती है। और इसे एकदम लो फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है, और वो भी कम से कम 5 मिनट तक, तभी ये एकदम क्रंची बनेगी। और इसे थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहना है ताकि ये चारों ओर से अच्छे से फ्राई हो जाए। जो अंदर की मूंगफली है वो भी हमने कच्ची यूज़ की है, इसीलिए इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। ये कंप्लीट फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे टिश्यू पर निकाल लेंगे। अब हम सारी मूंगफली को बाहर निकाल लेंगे। और अब हम सेम मेथड को वापस रिपीट करेंगे और बाकी बची हुई मूंगफली को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे।
ऐसे एक एक करके ही डालना है हमें, इस बात का खास ध्यान रखें आप। और इसे एकदम लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए हमें इसे डीप फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। इसमें आप फ्लेवर देने के लिए गार्लिक पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके घर में लहसुन का टेस्ट सबको पसंद है तो मार्केट में गार्लिक पाउडर अवेलेबल है, तो आप उस गार्लिक पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो इसमें। और जो अगर आप इसे ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना नहीं चाहते तो आप इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर सकते हो या हरी मिर्च की पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। हमारी सारी मूँगफली फ्राई हो चुकी है, अब हम इन सारी मूँगफली को बाहर निकालेंगे। आप इसकी आवाज़ सुन सकते हो, बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनी है ये, और आप इसे आसानी से 1 या 1.5 महीने के लिए स्टोर कर सकते हो। अगर आप इसे एयरटाइट डब्बे में पैक करके रखोगे तो आप आसानी से इसे 1 या 1.5 महीने तक खा सकते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट्स, चाट मसाला। ध्यान रहे, चाट मसाले को हमें लास्ट में ही ऐड करना है, ना कि मसाले में। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन को ऑन करें। और आपको अगर कोई नई रेसिपी जाननी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।